डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी दूसरी अनदर वन वीडियो है। इसमें एनेंशियोमर्स मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एनेंशियोमर्स द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, वही कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिसका जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उनको हम ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को एनेंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन है, हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसमें ऐसे ना समझने वाली कोई बात है नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर्स राइट इन इक्वल प्रपोर्शंस विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। जब हमने कहा कि मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो वो कायरलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी उसको शो करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अब इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ए मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर्स। अगर दोनों ही एनेंशियोमर्स हैं, यानी कि टू एनेंशियोमर्स हैं आपके पास, तो और इक्वल प्रपोर्शन में है, ठीक है, 50-50% आपके पास इक्वल प्रपोर्शन में हो गए, विल हैव जीरो ऑप्टिकल, तो उसका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता क्यों है, जबकि कुछ ना कुछ रोटेशन तो उसका आना चाहिए। तो इसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर। एक आइसोमर का जो रोटेशन होता है वो दूसरे आइसोमर के रोटेशन को खत्म कर देता है, ठीक है, वो उसको कैंसल कर देता है। इसीलिए जो वहां पे हम साइन भी यूज करेंगे, ऐसे मिक्सचर के लिए जो हम साइन यूज करेंगे, दोनों करेंगे, प्लस बी ब्रैकेट में और माइनस बी, और इसका एग्जांपल आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ब्यूटेन टूऑल। इसीलिए ब्यूटेन टूऑल के आगे ब्रैकेट में प्लस और माइनस दोनों लिखा है, क्योंकि एनेंशियोमर क्या चीज होती है, एनेंशियोमर होते ही वो है आइसोमर्स होते हैं, दोनों होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेज, और उसने कहा क्वेश्चन में कि दो एनेंशियोमर्स हैं और जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, तो फिर देना ही है उसे कि हाफ उसका प्लस में हो जाएगा, हाफ माइनस में, तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट होके आपका जो रोटेशन है वो आपका जीरो आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, और या रेसिमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। यहीं पर एक टर्म आती है रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर इज नॉन एज रेसिमाइजेशन। एनेंशियोमर का वो प्रोसेस जिसमें एनेंशियोमर आपका रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट होता है, उसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो करेगा एनेंशियोमर, राइट, और उस मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर भी नहीं बोलने वाले, और ना ये प्रोसेस आपकी रेसिमाइजेशन कहलाई जाएगी। ऐसी कंडीशन कब बैठेगी, जब जो एनेंशियोमर्स हैं दोनों ही एनेंशियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में हो, ये ध्यान रखिएगा। इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है तब तो थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाएगा, और ऑप्टिकल एक्टिव रोटेशन चाहे थोड़ी कम कोई भी एंगल हो वो मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये चीज खत्म होती है, और इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा आता है हमारी एक टर्म थी रिटेंशन। ठीक है बच्चों, रिटेंशन क्या होता है, SN1 और SN2 जब आपको कराया था तो वहां पर क्या पढ़ा था आपने, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, है ना। यहां पर हम पढ़ते हैं रिटेंशन। देखो बड़ा अच्छा सा है ये, क्या है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना रेसिमाइजेशन से। रिटेंशन, रिटेंशन का इंग्लिश टर्म है। कोई भी चीजें हम कोई भी भाषा जैसे पढ़ते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि ये केमिस्ट्री की टर्म है या बायोलॉजी की टर्म है, वो तो आप लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हो, नॉर्मल इंग्लिश की भाषा है। रिटेंशन का क्या मतलब है, रिटेंशन मतलब रखे रहना, धारण करना, जैसा है वैसा बना रहे, एक इस तरीके का इसमें आप फील समझिए, अब धारण करना। ठीक है, मतलब जो पहली सिचुएशन थी वही आपकी, कुछ हुआ उथल पुथल हुई किसी चीज में, उसके बाद में आपकी वही चीज सस्टेन कर रही है स्ट्रक्चर में, वही चीज है। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एक हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने जिक्र किया कि आपने SN1 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, क्या था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यह मॉलिक्यूल रखा है इसी से बता देती हूँ मैं, वो ये था कि जैसे आपके पास ये आपका CH4 था, ठीक है, निकल गया CH4 बेचारा, कोई बात नहीं कर लेते इसको, ठीक, तो हाँ जी हो गया।
अब यहां से आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, और ये जो था ये सीएल ग्रुप आपका, यहां से ये वाला जो सीएल ग्रुप है इसको क्या होना है, इसको निकलना चाहिए यहां से, ठीक है। तो हमारी ट्रांस बीच में एक स्टेट बनी थी, ट्रांजिएंट स्टेट बनी थी, राइट, जिसमें कार्बन को हमने कहा था कि 5 वैलेंसी कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है, इसीलिए अनस्टेबल है, जहां पर ये लीविंग ग्रुप प्रॉपरली डिटैच भी नहीं हुआ, प्रॉपरली अटैच भी नहीं हुआ, ऐसे बीच की स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये अलग होगा यहाँ से, ये आपके इस तरह से हो जाएंगे, ये वाले एटम ये निकल जाएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला कंपाउंड नया बना था, तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन के लिए मैंने एसएन टू जब आपको समझाया था तो उसमें अच्छे से बताई हुई ये बात कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन के लिए मैंडेटरी है कि बॉन्ड का ब्रेक होना। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कॉन्फिग्रेशन इन्वर्जन नहीं होगा, बॉन्ड जो है आपके ऐसे बैंड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। जगह चाहिए होती है ना, तो वो निकलेगा तभी एक फोर्स के साथ में OH ग्रुप वहां पर जाके अटैच होगा, वो एकदम से उसका ऐसे हो जाएगा, जहां आपके ऐसे थे बॉन्ड वो आपके इस तरह से हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर रिटेंशन है। रिटेंशन का क्या मतलब है, रिटेंशन का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट का कोई उसमें प्रोसेस हुई और उसके बाद जो हमें रिएक्शन हुई है, इनिशियली जो रिएक्टेंट है उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसका सेम रिटेंशन रहे, वो रिटेंशन वो कॉन्फिग्रेशन उसका चेंज ना हो। अगर वो कॉन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता, इफ द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एज सेम एज बिफोर द रिएक्शन, एज इन द रिएक्टेंट, तब हम उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट का जो कॉन्फिग्रेशन था, जिस तरह से एटम वहां पर अटैच थे, 3D में जैसे उसके एटम अटैच थे, उसी तरीके से उधर भी आपके उसी तरह से बॉन्ड उसी एंगल से वहां पर वो बने रहेंगे। एंगल तो सेम रहेगा, मतलब रिटेंशन वो एज इट इज रहेगा, उसमें वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये होता है यहाँ पर रिटेंशन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो इसको लिख लो, एक डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इज द प्रिजर्वेशन, एक तरह से प्रिजर्वेशन है, ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक ड्यूरिंग अ एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स। तो SN2 मैकेनिज्म इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, आप सीधा सीधा यहां लिख लो, SN2 मैकेनिज्म जो है यहां पर वो हमारा क्या था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, ठीक। मैं शॉर्ट में फटाफट से ऐसे लिख देती हूँ। और SN1 ये आपका क्या है, रेसिमाइजेशन, ये ध्यान रखें। अब यहां मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। SN2 मैकेनिज्म जो है वो उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन आता है, लेकिन SN1 मैकेनिज्म जो है, SN1 में वो इट इज SN1 मैकेनिज्म इज अकम्पनीड बाय द रेसिमाइजेशन, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म इन ऑप्टिकल एक्टिव एल्काइल हैलाइड एकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन, ये एक स्टेटमेंट है और आपको इसका आंसर खुद से लिखना है वाई, क्योंकि इसमें अब आपकी मैकेनिज्म आ जाएगी जो मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, वहां से आप मुझे थोड़ा सा इसको करिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तब आप मुझसे बात करेंगे, ठीक। चलिए अब ये यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, इसको लिख लेना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ वाई। इसके लिए तो आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं, आप इसका रीजन आप बताएंगे मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ ये वीडियोस आपका ये वाली वीडियोस की खत्म होती है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ेंगे, और बस इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।